So moving on to our next speaker for the afternoon is Mr. Zain Anwar, an alumnus of AJKMCRC Jamia Millia Islamia. A filmmaker by profession, Zain is a Filmfare nominated director, and his film Mehram was critically acclaimed globally. Zain is also known for his YouTube show Honest Reviews, which has created a new format for film reviews. Zain has also worked with reputed organizations like NDTV, Dainik Bhaskar, and Radio Mirchi. Please give a huge round of applause for Zain Anwar. Hello, this is my first ever TED Talk, and I am damn nervous. मैं in fact यहाँ आया तो मैंने नवेद भाई से पूछा, मैंने कहा बोलना क्या होता है, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ. नवेद भाई कहना, अरे बोल दो, लिखना नहीं पड़ता है. But I am very nervous, but thanks to everybody first of all to have invited me here. I am from Jamia, and a big part of my life it's right next door. I am from MCRC, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ that I cannot credit Jamia enough to make me whatever I am in terms of teaching me things I didn't know, in terms of giving me a culture, in terms of being basically something that has created me from where I am. Anyway, so when I came here, I had no idea ki main bolunga kya. So, and jab mujhe invite aaya, actually the invite came to me through Instagram. Aur Instagram pe sab mere ko sirf yehi bolte hain, samajhta kya bhai tu apne aap ko. मैंने कहा मैं तो कुछ बनता भी नहीं हूँ यार, लाइक उसको देखो ना, वरुण पृथ्वी कैसे कैसे काम करता है. आई डोंट डू एनीथिंग, बट एसेंशियली हाँ. सो आई हैड टू बिग फीलिंग्स जो मेरे दिमाग में आई. वन, आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैंने सोचा था कि जाऊँगा तो सेंट्रल कैंटीन में बिरयानी खा लूँगा. सेकेंड फीलिंग दैट आई हैव वाज जस्ट कन्फ्यूज्ड कि मतलब ऐसे मैं जाके लोगों को बोलूँ क्या कि मेरे को, तुम लोग को क्या करना चाहिए. बिकॉज लाइक नवेद भाई ऑल्सो सेड कि मैं भी पीछे ही बैठता था और मैं बोलता था क्या बोल रहा है भाई, प्रिविलेज से बात कर रहा है. But then I went to my mom and I said कि माँ ऐसा ऐसा है, जामिया में कुछ लोगों ने इन्वाइट करा है और मैं समझ में नहीं आ रहा जाऊँ ना जाऊँ. तो शी ऑल्सो हैड द सेम टू फीलिंग्स, हैप्पी एंड कन्फ्यूज. हैप्पी बिकॉज शी वॉज जस्ट हैप्पी, कह रहे मेरे लड़के को किसी ने बुला लिया, दैट्स इट, शी वॉज जस्ट हैप्पी. एंड कन्फ्यूज बिकॉज शी हैड नो आइडिया व्हाट टेड इज. शी लाइक, मुझे नहीं पता है टेड पेड क्या होता है, दैट हाउ यू शी टोल्ड मी. बट मैंने सर वहाँ ऐसे जाना होता है, उन्होंने मेरे को बोलना होता है कि लाइफ में आपने क्या करा वो करा. और मैंने कहा, उन्होंने मेरे को बोला है कि ब्रेकिंग शैकल्स के ऊपर बात करो. अब बताओ मैं क्या बोलूँगा, मैंने कोई शैकल तोड़ी है क्या आज तक? एंड शी इज लाइक, नहीं तुमने सिर्फ गिलास तोड़े हैं. बट शी सेड कि नहीं जाओ, इफ़ दे हैव इन्वाइटेड यू शुड गो. सो आई एम हियर, बट शी इज़ नॉट अराउंड. शी जस्ट पास्ड अवे अ कपल ऑफ वीक्स बैक. एंड इन हर पासिंग अवे आई लर्न कि मुझे एक्चुअली बोलना क्या है. आई रियलाइज दैट हम कितना भी ब्रेकिंग शैकल्स के ऊपर बात करें, essentially it is impossible to break your shackles. Shackles cannot be broken, they can only be replaced by newer better shackles. agar aap soche like, take example from my life, ki aisa kabhi nahi hota hai that one day you are in your life where you are saying ki aaj meri zindagi mein koi shackle nahi hai, maine shackle tod diye, chahe political ho, cultural ho, social ho, financial ho, mental ho. आप कभी ना कभी किसी शैकल से जुड़े रहोगे, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप एक शैकल से दूसरे शैकल की तरफ बढ़ सकते हो. एंड अगेन आई हर्ड टू वेरी गुड स्पीकर्स टुडे, शम साहब एंड नवेद साहब, एंड आई जस्ट कुट एग्जांपल्स फ्रॉम देयर लाइफ फर्स्ट, कि एक शैकल तोड़ा दूसरा आया, दूसरा तोड़ा तीसरा आया, तीसरा छोड़ा चौथा आया. तो इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक शैकल्स. उसके लिए भागो मत कि आज मेरे को ये करना है, आप मेरे को ये बनना है, नहीं बनोगे. What is important is to keep chipping away those shackles and keep looking for newer shackles. And it's fine, it's completely normal, it's very organic. Unlike a lot of other Instagram celebrities who are not at all organic. But point ye hai ki un shackles ko todte rehna chahiye. I'll again quote thode se examples from my life. I don't have a very very inspiring journey, to be very honest. I've been very lucky to be getting to wherever I wanted to be. Meri life ka pehla shackle tha privilege. I was born a boy in a very well-to-do family, और मैं 16 साल शादी के बाद पैदा हुआ था. तो भी समझ लो मतलब मेरी क्या ढाट थी. शादी के 16 साल बाद पैदा हुआ, और जो बच्चा 16 साल के बाद पैदा होता है वो अमूमन अकेला ही होता है. बिकॉज लोग मुझसे पूछते थे कि तुम आई यू दी ओनली चाइल्ड, और मैं कहता था यस सो फार यस एंड आई डोंट सी एनी होप नाउ.
तो सो दैट हैपेंड एंड दैट वाज द बिगेस्ट प्रिविलेज ऑफ माय लाइफ बिकॉज अकेला बच्चा है, बहुत लाड प्यार से पाला गया मेरे घर में, क्योंकि मुझे केक काटना पसंद, तो रोज़ मेरी बर्थडे होती थी। अभी मैं सोचता था पापा पैसे बचा लेते, आज मुझे दिला देते कोई ढंग की चीज़। बट एनी वे, सो माई फर्स्ट शैकल वॉज प्रिविलेज। और सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे उसको ही तोड़ने में होती अगर मुझे तोड़नी पड़ती, बट थैंकफुली दैट डिड नॉट हैपन। राइट व्हेन मेरी उम्र आई कि मैं प्रिविलेज को इस्तेमाल करूं, जहां पर मैं बोल सकूं जानता साले मेरा बाप कौन है, मेरे बाप के पास इतनी गाड़ी है, प्रिविलेज एंड अवे, प्रिविलेज लाइक ठीक है दोस्त, आई हैव टू लुक फॉर बेटर पीपल नाउ। सो अगेन थिंग्स चेंज वेरी ड्रास्टिकली। आई विल नॉट से एंड आई विल नॉट यूज द वर्ड कि मैं पॉवर्टी में पैदा हूँ, बिकॉज आई थिंक ट्रू पॉवर्टी इज वेन यू कॉन्ट इवन हैव 3 square meals a डे। एंड जिस तरह से हमारे देश में गरीबी है, अगर मैं उसमें खुद को गरीब बताऊँ, सो दैट विल बी लिटिल अनफेयर। बट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरी स्टेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन जैसे तैसे करी एंड आई वॉन्टेड टू नाउ स्टडी। एंड अगेन मेरी माँ जिनको कुछ, शी स्टिल डजंट नो व्हाट टेट इज़ बाय द वे, जिनको कुछ पता वता नहीं था, उन्होंने बोला कि बट तुम्हें मास्टर्स करना चाहिए, शुड स्टडी फर्दर। मैंने कहा अम्मा पैसे कहाँ से आएंगे, चूड़ी बेचोगी गहने बेचोगी? बट शी इंसिस्टेड, सो मैंने एक फॉर्म भरा, क्योंकि वो फॉर्म 500 रुपये का था और बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए थे। मैंने कहा दो भर दूँ क्या, इसमें नहीं होगा तो उसमें चली जाएगा? माँ ने कहा लाओ 500 बिल हटाओ। तो मैंने एक फॉर्म भरा एंड थैंकफुली एंड आई ट्राइड अ लॉट टू फेल इन दैट एग्जाम, ट्राइड अ लॉट। लेकिन जब मैं वो एग्जाम देने गया, यहीं पर एग्जाम था हमारा जामिया में, सो उस वक्त मेरे कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, सो आई गेव अ गुड एग्जाम एंड आई समहाउ क्लियर्ड। और रिजल्ट आया, मैं गया माँ के पास, मैंने कहा वो 500 रुपये तो फालतू दे नहीं रही थी, अब 70,000 कहाँ से दोगी? शी सेड हो जाएगा, इट विल मैनेज। एंड समबडी, अ वेल विशर फ्रॉम माई फैमिली एक्चुअली डोनेटेड दैट एंटायर मनी फॉर माई एजुकेशन, एंड बिकॉज दे थॉट कि टैलेंट है, कुछ बन सकता है लड़का, बट इफ दे नाउ गेट टू नो व्हाट आई डू, वो शायद पैसे वापस मांग ले मेरे से, बोलेंगे भाई रिफंड करो मेरे को। सो दैट वॉज माई सेकेंड शैकल। मैंने एक शैकल प्रिविलेज तोड़ के मैं दूसरे शैकल पर आया, लेकिन उसके बाद लाइफ चलती रहती है। एंड आई थिंक एक वो फेज होता है लाइफ का जहाँ आप स्लीप वॉक कर रहे होते हो, जहाँ आपको कुछ अवेयर नहीं होती, आपको यू डू थिंग्स ओनली बिकॉज यू आर सपोज टू डू देम, नॉट बिकॉज यू आर डूइंग देम और यू वॉन्ट टू डू देम। प्लेसमेंट इंटरव्यूज में बैठना है, नौकरी चाहिए, बेबी गुड नाइट रात कल बात करती हूँ करना है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलता चला आ रहा है। जब वो ख़त्म हो जाता है फेज, एंड दोज फेज दैट्स नॉट अ दोज आर नॉट गुड डेज, और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो वो अच्छे दिन नहीं होते, ठीक है? तो वो फेज समहाउ ख़त्म हो गया, एक ठीक ठाक नौकरी लग गई, 12-13 हज़ार रुपये महीने के आ रहे थे, थोड़े घर पे जा रहे थे, थोड़े FKC को जा रहे थे, थोड़े अलबेक में जा रहे थे, बट मामला चल रहा था। असली मैटर वो ख़त्म होता है जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको लगता है साला मैंने तो कुछ करा ही नहीं लाइफ में, ये तो मेरा रोज़ तो मेरी बाइक पंचर हो जाती है, रोज़ मेरा ये हो जाता है, रोज़ मेरा वो हो जाता है। एंड दैट इज़ वेन इट हिट्स यू लाइक दैट कि ओ शिट, मैं अभी तक जो भी कर रहा था, मैं स्लीप वॉक कर रहा था, मेरे को बस आई वॉज डूइंग इट। एंड दैट केम टू मी इन अराउंड 2016 and 17, नॉट वेरी पुरानी बात। आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ फिल्म, और मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था जो मैंने एज अ डिप्लोमा प्रोजेक्ट लिखी थी, और वो फिल्म रिजेक्ट हो गई फॉर सम रीजन्स। और उसके बाद मैं वो स्क्रिप्ट 3 साल ले अपने आई यूज़ टू से दैट इट्स इन माई क्लॉजेट, बट इट नेवर इन माई क्लॉजेट, ऑलवेज इन माई हार्ड ड्राइव, बिकॉज अब कोई हार्ड बाउंड कराते नहीं, बिकॉज अच्छे दिन नहीं है। एनीवे, सो मैं वो स्क्रिप्ट को लेके मारा मारा घूमता था कि यार दे दो कुछ पैसे, दे दो कुछ पैसे, दे दो। एंड इवेंचुअली इट गॉट मेड एंड दैट्स अ स्क्रिप्ट जो मैंने 23 साल की उम्र में लिखी थी। 23 साल की उम्र में दिमाग नहीं काम कर रहा था, वही काम कर रहा था कि बेबी कल मिलता हूँ। तो 23 साल की उम्र मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी एक औरत की जो हज पे जाना चाहती है। एंड 3 साल में उस स्क्रिप्ट को रगड़ता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक ही चीज़ सुनता रहा लोगों से कि बॉस नहीं। बट फाइनली somebody said, ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं। एंड एट एज 26 आई वॉज मेकिंग द फिल्म एंड माई लीड एक्टर वॉज अ वुमन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 46 ईयर्स। नाउ दैट्स इनफ मैथ्स फॉर अ डे। मैं अपने से 40 साल बड़ी औरत को डायरेक्ट कर रहा था एंड द वुमन वॉज फरीदा जलाल। आई थिंक everybody knows what sort of a stalwart she is industry में। मैं, मेरी कुल उम्र 26 साल थी और उनकी कुल एक्सपीरियंस 46 साल का था। और तब मुझे नहीं लगता था कि शाहीन बाग से निकल कर एक लड़का, आई यूज़ टू लिव इन शाहीन बाग,
ठोकर नंबर 7 में, हु सेड यस, कितना पहले से जानते हो भाई। सो यू लिव इन शाहीनबाग, मुझे नहीं और मैं कभी अपने लाइफ में तस्वूर नहीं कर सकता था कि शाहीनबाग से निकलेगा एक लड़का और जाकर एक फिल्म बनाएगा, द फिल्म विल ट्रैवल इंटरनेशनली एंड आई विल बी नॉमिनेटेड फॉर अ फिल्म फेयर एंड दिस एंड दैट, बट इट हैपेंड। एंड दैट इज द ओनली लेसन जो मैं आपको दे सकता हूँ, दैट थिंग्स विल हैपन, वट एवर इज इम्पॉसिबल, वट एवर सीम्स इम्पॉसिबल विल हैपन, बट डेफिनेटली नॉट एट योर पेस, नॉट द सेम मेजर दैट यू वॉन्टेड टू, बट इट विल हैपन, कभी ना कभी होगा। हमारे साथ परेशानी क्या है कि हम उसको बहुत तेजी से चेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कल हो जाए, परसों हो जाए, अरे हो नहीं रहा यार, 4 साल हो गए, बट इट विल हैपन गाइज। और शैकल्स जो आपकी जो शैकल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स दैट ऑल ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद, आई नो अ लॉट ऑफ यू विल हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट होम, अ लॉट ऑफ यू विल हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, किसी के स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, किसी के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट गो ओवरनाइट, ये एक रात में नहीं हो जाता। मुझे भी ऐसा लगता है कि एंड इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू थिंक कि मैं 3 साल स्क्रिप्ट लेता चला गया एंड ऑल इट टुक वॉज 1 day फॉर दैट 1% टू से यस यस मैं बनाऊंगा स्क्रिप्ट, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि मतलब हीरो पूरे टाइम, सॉरी विलन पूरे टाइम विलन बना हुआ है, एंड में हीरो आता है, एक मोनोलॉग लेता है और हीरो कहता है मैं चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कीप चिपिंग अवे टू ब्रेक योर शैकल्स, धीरे धीरे रोज छोटी छोटी चोट मारो, वुडपेकर जैसे करती है ना, वो मारती रहती है टिल द टाइम इट ब्रेक्स द ट्री, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू डू एंड दैट इज वॉट आई हैव डन। फिल्म के बाद मैं आगे बढ़ा, अगेन वो स्लीप वॉकिंग खत्म हो चुकी थी, अब लगता था अब लाइफ में क्या करना है, अब तो रेलेवेंस नहीं है, फिल्म बना ली कोई जानता नहीं अपने को, और फेम की बहुत तड़प थी, वो खैर अभी भी नहीं है साला वो, लेकिन बट सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इफ एनी ऑफ यू हैव सीन मी यू नो दैट आई स्पीक इवन वर्स। सो इवेंचुअली आई मूव्ड इनटू डिजिटल, और डिजिटल में एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्चुअली टेल यू गाइस समथिंग अबाउट, माई फिल्म वॉज ऑल्सो इवेंचुअली अ डिजिटल फिल्म, वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे सेल हुई जहाँ पर इट गॉट अ लॉट ऑफ गुड व्यूज, बट एनीवे मैं मूव करा YouTube की तरफ, और एंड दैट इज वॉट आई थिंक एसेंशियली आई कैन टॉक टू यू अबाउट, बिकॉज वी लिव इन अ कॉन्टेंट डेमोक्रेसी, दैट इज समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस डेज। वो वक्त चले गए जब जिनके पास कैमरा होता था, जो लोग प्रिविलेज होते थे लाइफ में, और ये मैं प्रिविलेज से नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लाइक आई सेड मैं भी उस वक्त से निकला हूँ जब शाहीनबाग में मैं रहता था और FKC महंगा लगता था, मैं तो तब था नहीं वो, बट वो सब चीज़ें महंगी लगती थी। सो वी लिव इन अ कॉन्टेंट डेमोक्रेसी, और यहाँ पर अगर आप कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि मैं फिल्म नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, देन यू आर फूलिंग योर सेल्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट। TikTok कितनी बड़ी, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज एक्चुअली वॉच TikTok? नोबडी एडमिट्स इट, बट एवरीबडी वॉचेस TikTok, कम ऑन एवरीबडी वॉचेस TikTok, मैं भी देखता हूँ, मैं हूँ भी, नाम बदल के रहता हूँ मैं उस पर। नाउ TikTok इज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, TikTok टेल्स यू हाउ कॉन्टेंट क्रिएटर्स कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। TikTok के लोग ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ किसी ने फिल्म मेकिंग जानते नहीं होंगे, एंड जो तुम्हारे रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो TikTok पर हैं। मिस्टर फैसो को जानता है कोई? ये देखो, मिस्टर फैसो इज सिंपल गाय हु हैज मोर देन 11-12 मिलियन फॉलोअर्स ऑन TikTok, और तुम कहते हो TikTok बेकार चीज़ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी लिव इन अ कॉन्टेंट डेमोक्रेसी। अगर आप मेरी तरह या बाकी कॉन्टेंट क्रिएटर्स के जो यहाँ पर हैं, अगर आप कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं और बना नहीं पा रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ वेरी बिग मेंटल शैकल। डू नॉट थिंक कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स से फिल्म मेकर हो सकते हैं, अरे मैंने फिल्म स्कूल नहीं गया, मैंने पढ़ा नहीं है, दोज डेज आर ओवर। अब पॉइंट यही है कि अगर आप कॉन्टेंट बनाना जानते हैं, कॉन्टेंट बना सकते हैं, तो आप कॉन्टेंट बनाइए। माई जर्नी ऑन यूट्यूब ऑल्सो स्टार्टेड अ सिमिलर वे। आई डू अ शो कॉल्ड ऑनेस्ट रिव्यूज, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव सीन दैट। अरे आराम से। सो आई डू अ शो कॉल्ड ऑनेस्ट रिव्यूज विच एसेंशियली टेल्स यू कि हर हफ्ते जो फिल्म आई है वो कैसी है। और हमने बहुत सिंपल सी चीज़ करी कि हमने बोला कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें फिल्म वैसे बताऊँगा जैसे दो दोस्त मिलकर बताते हैं, भाई बहुत घटिया पिक्चर थी यार, कुछ नहीं था पिक्चर में, कूड़े में मुँह दे के आ गया यार। सो दैट इज वॉट वी स्टार्टेड डूइंग, एंड हमने एक फिल्म करी Race 3। वेल यस दैट Race 3, एंड थैंकफुली वी गेट इनफ बैड फिल्म टू ट्रैश। तो हमने Race 3 करी, एंड Race 3 करके, सॉरी कहाँ,
सॉरी आई डिडंट गेट यू बट आई जस्ट हर्ड सलमान खान. मैं जाऊँ क्या फिर अभी? वो आ रहे हैं तो क्या? एनी वे सो हमने एक फिल्म करी एंड आई ट्राई टू रिव्यू वन फिल्म एंड सम ऑफ पीपल स्टार्टेड लाइकिंग एंड दे सेड कि यार तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम हमारे मोहल्ले के दोस्त हो. एंड फ्रॉम देयर ऑन द जर्नी स्टार्टेड एंड अगेन आई विल टेक रेफरेंस ऑफ व्हाट पीपल हैव सेड बिफोर. लाइक नवेद भाई सेड, ही सेड मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा. एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवाइस दैट यू गाइस कैन गेट ओवर हियर. मैं भी जैसा था मैं वैसा ही रहा. मैं ऐसे ही बात करता हूँ और मैं अगर इंग्लिश में लिख के भी लाता हूँ तो भूल जाता हूँ. नॉट बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट बिकॉज आई कैंट रिमेंबर शिट. सो हमने वो शो स्टार्ट करा एंड इवेंचुअली वन थिंग लेट टू अनदर. एक शो के बाद दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म के बाद तीसरी फिल्म एंड नाउ वी आर टेक्निकली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म रिव्यू प्रॉपर्टीज ऑन द इंटरनेट एंड इट कैन हैपन टू एनीबडी. आई वॉज ऑल्सो नोबडी एंड इफ इट कैन हैपन टू मी, इफ आई कैन मेक अ फिल्म एंड आई कैन बी नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, इफ आई कैन ट्रैवल इंटरनेशनली विद दैट फिल्म, सो कैन यू. ये बात मैं बिल्कुल प्रिविलेज से नहीं बोल रहा हूँ. And that's all that I have to say because like I said, मेरे पास कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं है बताने के लिए. I am a very simple person. I was in fact surprised कि मुझे यहाँ बुला लिया. मैं तो चुपचाप यहाँ से आता हूँ, बिरयानी बिरयानी खा के चला जाता हूँ. But that's about it. Thank you so much for lending me in here. And keep at it. You guys should be proud to be from a from such a good institution because I am very proud to be from Jamia. And and yeah, that is it. Like, comment, share, subscribe. Thank you for your exhilarating words, sir. I would now request Professor Zeeshan Hussain, Director, CIE, Jamia Millia Islamia, to present a memento to Mr. Zain Anwar as a token of our gratitude. Can we have a huge round of applause, audience? Oh. Thank you. Thank you. अभी जाना किधर से? Thank you guys. Thank you so much.